आ गए हैं मेरी मौत का तमाशा देखने। मकारो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दोस्तों स्वागत करेंगे आप सभी का कौन है ब्रांड मेन इवेंट पे जा रहे हैं। मर के भी जीना सके। अरे दोस्तों यार गाइस यार आज हम रैंडम टीममेट के साथ खेल रहे थे और तभी हमें एक रैंडम टीममेट मिला। पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथ खेला, बाद में दोस्तों उसने खुलासा किया साला हमारे सर पे ही बम दे मारा। मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए भाई साहब लौंडे उतर रहे थे, हमको एक ऊजी मिली, लौंडे को खुजा दी हमने। ठीक है यहाँ तक ठीक था। उसके तत्पश्चात हम सोचे एक और लौंडा है उसको हमने मारा और जराम के पिल्ले को देखो ये साला हमारा किल ले गया। बताओ कितना कितना बड़का सुअर लोग गेम खेलते हैं बताइए। अब देखिए हम इसको फिनिश किए। राइट साइड से एक लौंडे फूट आया। कुड़ियों का नशा सबसे नशीला सबसे तेरी माँ का रुख तेरी। भाई साहब यार वेस्ट नहीं थी यार, ये बात समझ पा रहा हूँ अब मैं। खैर यहाँ पे मैं शांतिपूर्ण तरीके से तो मर गया, लेकिन मेरे को अपने टीममेट से कुछ गोल्डन शब्द कहने हैं। किसी दिन रसगुल्ला खा के तुम लोगों को देख लेगा मैं। अब गाइस देखिए रिकॉल हुए, फिर से जा रहे हैं वहीं पे। नीच आदमी भाई साहब, क्या ही कर सकता मैं, आदत से मजबूर। तेरा शुरू बग्गी गाड़ी यार तेरी बहन का रुक, और ये गाड़ी फूट गया तेरी भाजो माँ की। अरे यार भाई साहब यार तुम तो अच्छा खेल रहे यार। ये तो चलिए आपने देखा हमारा लेटे लेटे वाला गेम प्ले, अब हम उठ के बैठ के खेल रहे हैं। एंड गाइस यार मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, अपने खास बात करनी, इधर हो सुनो, मैं कह रहा हूँ भाई साहब कमेंट करो यार कुछ तगड़ा से चैलेंज एकदम यूनिक से, जैसे डबल पिस्टल चैलेंज। अच्छा डबल तो ले नहीं सकते, डबल एआर चैलेंज अच्छा वो तो कॉमन है, डबल हेलमेट वेस्ट वो भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ देख लो यार। मैं क्या, हाँ नो हेलमेट वेस्ट चैलेंज कर सकते हैं गाइस हम, नो गन वो तुम मत ही कराओ भाई, और कुछ ऐसे तगड़े तगड़े भाई कमेंट करो, वी विल ट्राई मोर थिंग्स। अब गाइस देखिए हम घोड़े से आए सीधा यहाँ पे, और जैसे ऐसे हेननु आए सीधा अंदर गए। एक चिन्ह नोटिस की भाई साहब, चार नंबर बहुत ज़्यादा किल फील्ड जमाया जा रहा। अब देखिए यहाँ एक लौंडा भागा जा रहा था, उसको चलो मैंने मार दिया, ऑलरेडी हो गया। लेकिन गाइस यार इधर देखिए अंदर चार नंबर के पास काफ़ी सारे लौंडे। मैं आया और जीसी आया, कहाँ है लौंडे बताइए। हम लौंडे के लोकेशन पूछे तो इसने हमको बताई नहीं, अब ये नॉक कर दिया बताइए। और तभी दोस्तों हमने इनसे पूछा और है लौंडे, तो इसने ये बोला भाई मैं हैक करूं, भाई मैं हैक करूं। क्या ये क्या बक रहे हो मादर, निकल उठा लो ब्लॉक। भाई भाई हेलो भाई, चार नंबर भाई ये लो भाई, हेलो ये लो भाई ये रूम लो, चलो आओ इस साइड चल लो, मेरी साइड कुछ नहीं, लौंडा ऊपर है ब्रो, ऊपर है ब्रो। हैं मुझे तो नीचे से फूट आ रहा भाई, देख लिया आपने इसकी फुद्दू हरकतें, बंदे के फूट स्ट्रीम नीचे से आ रहा था, लेकिन कह रहा है लौंडा ऊपर है, लेकिन बाद में लौंडा मिला भी नहीं, कोई बोट उठ था। खैर उसके बाद दोस्तों हमने वहां से जोन के लिए निकलने का सोचा, तो निकल आए हम डायरेक्ट प्लेन से, पहुंचे देखिए आप हमारे इधर इधर, चलो शॉपिंग सेंटर पे, चलो शॉपिंग सेंटर। बंदे होंगे ना भाई वहाँ पे, नहीं होंगे ब्रो मैं हैकर हूं ना, या तुम्हारा भाई खड़ा है फिर क्या देखा। बंदे होंगे तो मारना हो, मारने के लिए पूछ रहा हूँ भाई, मेरी गांड नहीं फट रही उनसे। अरे भाई क्या हंसे भाई तुम, मजा आ गया भाई। अरे तुम बहन 3x लेने आए हो यार, टाइम पास कर दिया हमारा तो अच्छा खासा। अब गाइस यार यहाँ पर एक और सिचुएशन से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। हमारा जो दो नंबर टीममेट है जीरो, वो भाई साहब जोन के अंदर फंसा हुआ है, बहुत दूर से चल के आ रहा है। आना ओपिया बहुत क्या लड़ेगा टीममेट है, तू उधर कहाँ जा रहा। अरे मेरे पीछे आओ, इधर इवेंट पे बंदे हैं, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, आ जाओ है ना, श्योर हो ना भाई, नहीं बहुत गंदी गाली बकता हूँ मैं, श्योर हो ना भाई। हाँ ब्रो मेरा ESP चालू हुई है, जो तुम्हारा एक तो USP लड़ने जैसा। अब गाइस यार टू बी ऑनेस्ट, मुझे हैकर वैकर पे उतना बिलीव नहीं है, लेकिन भाई मैं क्यों जा रहा हूँ पता है क्यों, क्योंकि भाई मुझे अपने टीममेट पर भरोसा है, टीममेट पर भरोसा जाता ना एक प्रेम संबंध नहीं छोड़ो। अब गाइस जब तक हम वहां से इसके पास तक आ रहे तब तक इसने बकाया मेरे पास से जा रहा है, मेरे पास से गाड़ी जा रही, मेरे को सामने दिख रहा वो लूट रहा वो खरबोट रहा, दुनियादारी बताई जिससे यहाँ पे आए। कहाँ एनिमी कहाँ है भाई, एनिमी 500 मीटर की नजदीक पे आएगा तब दिखेगा। एनिमी कहाँ है क्या ब्रो, एनिमी ब्रो इस मैप के अंदर ही है, मुझे पता है इस मैप के अंदर ही एनिमी है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर। खैर दोस्तों अब मुझे पता चला मैं अपने टीममेट के साथ खेल नहीं रहा था, इस पहले को सह रहा था मैं, साला शुरू से चूतिया काटे जा रहे था अपन का। मैंने लीगली एक लगाया ब्रो पबजी वालों से रिक्वेस्ट की, ठीक है लगा लो। मस्ती देखो बहन, बंदे वहाँ भी बंदे शायद यहाँ कहीं पे ओपन पे। हाँ तो चलो ना, चलो ना भाई यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ,
हाँ वही जीरो उधर। अरे वहाँ बंदा है, वहाँ बंदा है जीरो भाई, बंदा है। पेल दोगे, पेल जाओगे, पेल जाओगे, पेल जाओगे। कहाँ पे है? मार्क कर, मार्क कर। इधर इधर। तेरा ये पे नहीं काम कर रहा क्या भाई? 500 मीटर में। आजा बिल भाई, बैठोगे भाई क्या? चलिए गाइस, ये तो ही अब मटर गश्ती। अब हम करेंगे फिर से मटर गश्ती। यहाँ पे आए गाइस, सामने टीपू पे आपको एक लौंडा सा लग रहा है ना ड्रॉप के पास, मेरी भी देख के ऐसी फटी थी। ड्रॉप लूट रहे क्या वो? ड्रॉप लूट रहे मत देख तो। अरे ड्रॉप लूट रहे हो, देखो। अबे नहीं नहीं है वो दोस्तों। फिर से यहाँ अपना चूतिया कटा, तभी एक लौंडा। ये बहुत ही शानदार नॉक, क्या बात है गाइस, एप्रिसिएशन बनता है कमेंट सेक्शन में। एक और ये नॉक होते होते बच गया था, लेकिन भाई साहब स्प्रे के आगे थोड़ी कोई बच सकता है। मेरे दो नॉक और फिर आगे देख सालो, मार्क सब करो। देख रहे हो इसे? ये हैकर है हमारी टीम का। अब आगे देखो, आगे देखते जाओ। हाँ एक तो भाई एक ही स्प्रे में साट दिया। मुझे लग रहा उसने इसको ऐसा मिशन ले लिया कि एक स्प्रे में लौंडे को फिनिश भी करना है। आइए हमसे भी त्यारा दो, दो हाथ हो जाए। अरे यार एक तो तुम यार ये सब ठीक करो पहले। डेड। अब गाइस यहाँ पे जैसे इन सबको फिनिश किया, तभी गाइस एक गाड़ी आती है। अरे कहाँ से नॉक, और उसको जीरो ने फिनिश कर दिया। खैर अब ये भाई साहब रिवाइव रिवाइव खेलते, तभी गाइस एक गाड़ी आती है। मेरे को इधर से फायर आया था, मेरे को एहसास हो गया था भाई लौंडे हैं, लेकिन मैं सोचा लूट उट के आराम से देखेंगे। तभी गाइस क्या हुआ, एक गाड़ी आती है। मैं सचेत आदमी, भाई साहब देख लिया गाड़ी आ रही है, ये आई। और फिर एक नॉक, दोनों अंदर घुस गया, नहीं तो भाई चार पाँच नॉक हो ही गए थे एक स्प्रे में। खैर उसके बाद इन्होंने देख लिया अपना अपना। अब देखिए गाइस यार मैं यहाँ पे लूटना शुरू भी नहीं किया था, तभी एक और गाड़ी आई। और भाई साहब मैंने सोचा लॉटरी लग ली भाई। अब गज देखो, देखना। हाँ हाँ ये बग्गी आई और लौंडा उसका यहाँ पे, डरना नहीं। हाँ ये देखो घुसा अब प्री फायर में, एक थोड़ा सा डैमेज हुआ और वो लौंडा, अरे इसकी बहन छी चले, ऑल डेड। इस पे गाइस सेल्फ रिवाइव। अब गाइस और लौंडे ढूंढने के लिए हम पंचन जीवन क्यों उड़ गए, तभी सामने हमको स्मोक दिखा, मतलब काफी सारे लौंडे हो सकते हैं। अब गाइस हम आगे बढ़े, तभी देखिए क्या होता है। मैं तो पहले एक परफेक्ट कवर ढूंढ रहा था ताकि उसको मार भी सकूं, टेक डाउन कर सकूं, पूरे स्क्वाड क्लच मार दूं। तो फिर क्या हुआ कि मैं स्लोली स्लोली बढ़ रहा था, तभी मुझे कुछ शॉट्स पड़ी, तो फिर मैं यहाँ पे एंग्री बर्ड बन गया था, मतलब सॉरी एंग्री मैन बन गया था बर्ड से। फिर मैंने अंधाधुन फायरिंग की सोची और एक ये नॉक, और एक पसरा था उसको भी नॉक दिया। स्प्रे देखो आप क्या नॉक दिया भाई साहब, दो नॉक। हाँ एक इधर भी था, उसने ओम से हमारे टीममेट को बचाया, ठीक है देख लेगा। एक एक गोली लगी। हाँ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक गोली मैंने मार भी दी उसको। उसके बाद दोस्तों मैंने किया लिटिल बिट हील। ओह चाना मैं फिर से कहीं मार रहा, कोई बात नहीं। अभी मैंने देखा इधर से एक भाग रहा, वो भी नॉक। अब गाइस बचा था कौन, सिर्फ इनकी स्क्वाड का ओम वाला। मैं भी वो रिवाइव रिवाइव खेला, लेकिन मैंने जहाँ तक नज़र रखा वो तो ऐसी नाकाम कोशिश नहीं करने वाला, क्योंकि भाई साहब जोन आ रहा था, मैं भी वो जोन भागे, तो मैं इधर आया था जस्ट अपना किल कंफर्म करने। और मैं सोचा यार फ्लैंक व्लैंक मार के लौंडे की थोड़ा ले लिया जाए, ओम वाले की है ना, ये अच्छा थॉट था। लेकिन गाइस यार क्या है कि वो भालू उलू बन के भागने में जुट गया। अपना किल कंफर्म किया, मैं भी निकल लिया। फिर अब जोन जा ही रहा था, तभी राइट साइड पर देखा कि भाई साहब भालू उड़ के वो टैंक के पास जाके बैठ गया। और हमारे टीममेट के हालात देखिए भाई साहब, ये प्ले जोन में निपटने की कागार पे, और बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत। सामने वाला एक ही लौंडा बचा हुआ है आई थिंक, हाँ एक ही तो है, वो अकेला ही है। अब देखो उसको इजिली मैं मार तो देता हूँ, लेकिन उसकी किस्मत देखो, नॉक तो दिया लेकिन साले फिर सेल्फ रिवाइव था। खैर सेल्फ रिवाइव मारा वो लौंडा, बहुत चैन से मारा। तभी हमने देखा हराम खोर चार नंबर उसको सिर्फ देख रहा, ये नहीं कि फिनिश कर दे, वो सेल्फ रिवाइव मार चुका, तब जाके इस भड़वे ने उसको मारा है भाई साहब, और मुझे किल नहीं मिला। बताइए ये कोई तरीका होता है? खैर दोस्तों यार स्टार्टिंग में भाई साहब इतना गंदा खेला, मैंने सोचा नहीं था भाई जीवन में कभी मैंने 10 किल कर दिए। खैर दोस्तों यार ये था अपना पहला चिकन। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे दो चार दिन से नूब खेलता है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है 10 किल के साथ चिकन डिनर फेंक के मारा, बकवास होता। बात की गंभीरता को समझिए भाई साहब, लड़के वाले मान नहीं रहते, इस वजह से हमको अटपटी जगह पे उतरना पड़ा। खैर आई इस जगह पर, इसकी माँ क्या, भाजो भाजो भाजो। देखो गाइस हमारे यहाँ पे अच्छा खेल रहा था यार, स्टिल यार पता नहीं सलाह हमारे टीम हमको गाली वाली क्यों बक रहे थे यार। खैर यहाँ पे मेरी कुछ फैंटेसीज थी जिनको मैंने फुलफिल करने के लिए नॉक हो गया। अरे यार ये लौंडे तो यार भड़बड़ा के रस कर जा रहे, बताइए कोई तमीज होता है खेलने के? अबे यार अरे हो गई, रुको। हाँ हाँ समझ गया, बहुत कम घोड़े मैं फुल्ली अवेयर पर्सन तेरी। ए भाई ये कोई नहीं है क्या? अरे कहाँ गए सब टीम? मैंने उसे इतना देखा, हम आए फिर से रिकॉल होकर डायरेक्ट अंदर। और अब हमारा डेयरिंग चेक करिए, अपने टीममेट को यहाँ बुलाने के लिए यहाँ आए और हो गया खौर भौर।
मैं इस कदर गिर चुका हूँ कि लड़की से रिकॉल मांगना पड़ रहा है। नहीं, ये साउंड हो सकता है मैं भी गलत करे कि यार ये बताओ लड़कियों कितने नीचे। मैं महिला विरोधी पर्सन नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब देखो रिकॉल हो क्या है तो यार ये लाला अपना बहुत देर से इधर कुछ लौंडों से भिड़ा हुआ है, आइए निपटारा करते बेचारा बहुत देर से परेशान था यार। कहाँ पे हैं? अबे कैसे नॉक नहीं हुआ दल्ला, फिनिश मारेगा मेरे को, फिर मैं मार दे एक ही है। बहुत कैसे कैसे लोगों को रिकॉल किया जा रहा भाई, जेब लोग बचा ले यार। वो अच्छा तू नॉक है क्या? सॉरी बड़ी यार, ये तो नहीं करता मैं। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे आए थे अस्सी तुस्सी करने, वहां से उसको मार और के लूट उठ के आए यहाँ है इस इवेंट पे, यहाँ पे भी लूट रहे हैं। मस्ती देखो एच लूटे ही जा रहा है। कोई ऐसे मेरे गोली मारेगा ना पैन से ऐसे मैं डॉज कर दूंगा। चल 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 लौंडे आ हम पे आओ लौंडे, चल 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 ले 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 घुसेर 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 ले ले बानोस ले ये यहाँ पे। गुज्जा भाई चिंता मत करना दोबारा से गलत बात, लौंडे आ गए भाई। शांति से सेल्फ रिएक्ट मेरे पे, तुम लोग दूर रहना, अलग से सजा मिलेगी। अरे घोड़ा भी चिक गया भाई हमारा। हाय अबे तुम दोनों नॉक पड़े हो, वाह बहन गाड़ी भी नहीं है। रुक हम हो गए, वो तो मनाओ मेरे पे सेल्फ रिएक्ट था। ओपी शांति से रहना, एक भी गोली चलाई ना मार दूंगा। पहले सेफ चलने का है। पूरी स्क्वाड अभी बैठो मारना है बा। सही से बैठना ठीक है दोनों अंदर। भाग चलो, मैं भी भाग रहा घोड़े में बैठ के। भाग लिए और क्या। उनको भाई छेड़ के भाग गए, फाइट लेते हैं। हाँ आ जा, आना आ जा। फट के आ गए। देख लौंडे पत्थर पिघल गए। हाँ फिर से रेड जोन रुक। अरे माधव दो गिर गए। रुके कि भाग गए? वो पीछे बंदे इधर आ गए। इधर 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 ले क्या, इधर ले क्या। अरे बहन भी लौंड है रे। बताओ कितना बढ़िया गाइस क्लच वाला चमार रहा था। दो दो बंदे गाड़ी से उतार दिया था एक स्प्रे में, बताइए। खैर दोस्तों यार आज के लिए इतना ही करेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड यार डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस चैलेंज, चैलेंज जरूर देना गाइस कमेंट सेक्शन में, अपने तरीके से देना ठीक है ना। सब लोग एक ही चीज़ में लिख देना, उसमें जो इंटरेस्टिंग होगा वो करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।